आज मैं सभी का वस्त्र चेंज की हूँ। दुर्गा माँ, सरस्वती माँ और युगल सरकार सभी को मैं दूसरा ड्रेस पहना दी हूँ, क्योंकि बहुत ही गंदा हो गया था। और सभी को वस्त्र चेंज करके और सभी का पूजा वगैरह हो गया है सुबह का। और देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं आज दुर्गा माँ और सरस्वती माँ। यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल और ये सब बैठे हुए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मॉर्निंग से फिर से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ और आज है क्रिसमस डे और आप सभी को क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस डे। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर के सामान से ही फेशियल क्रीम किस तरह से बना सकते हैं, जो आसानी से अपने किचन में उपलब्ध होता है और ज़्यादा सामान का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ना आपको ज़्यादा किसी खर्च की आवश्यकता है और ना बाहर जाने की। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे और आगे का ब्लॉग आप लोग इंजॉय करिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी सब जगह डाल रही हूँ प्लांट में, क्योंकि यहाँ सूखा सूखा हो गया है तो बीच बीच में थोड़ा पानी डाल देती हूँ ताकि ये हरा भरा रहे। ऐसे तो ठंड हो गया है ज़्यादा और फूल निकल नहीं रहा है, फूल ज़्यादा फुला नहीं रहा है, फिर भी मैं यहाँ डाल दे रही हूँ, पानी डालने से अच्छा रहेगा। क्रिसमस डे के दिन हर साल ये ले आते हैं बच्चों के लिए केक, वही यहाँ केक आया हुआ है और सभी लोग अपना केक खा लेंगे। और हर साल आता है 25 दिसंबर को केक सभी के लिए, क्योंकि आज केक का ही दिन होता है इसलिए सभी बच्चे लोग मांगते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं दोपहर को लंच में बनाने जा रही हूँ ये मटर का जो होता है, कहीं कहीं इसे निमोना बोलते हैं और हम लोग इसे बोलते हैं मटर का गुदला और कहीं गादा, इसका हर जगह अलग अलग नाम है, वही बनाने जा रही हूँ आज। उसी के लिए मैं यहाँ पर मटर उबाल करके रख दी हूँ और यहाँ प्याज का छौंक लगा दे रही हूँ, जीरा मिर्च और लाल मिर्च डाल के, और इसे अच्छी तरह से लाल करके भूज करके और इसमें सारे मसाले डाल करके आलू भी डाल दूँगी थोड़ा सा और भूज दूँगी। और यहाँ थोड़ा सा मैं रख करके सारे को मैं मिक्सर में पीस लूँगी, वो भी मोटा दरदरा पीसना है। और पीस करके देखिए यहाँ मसाला मेरा भून चुका है, अब मैं इसमें डाल करके मटर जो पिसा हुआ है उसे भी भून लूँगी। अब भून करके इसमें पानी डाल देना है। इस तरह से बनता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है, सीजन का सब्जी है और ये फर्स्ट बार अभी आया फर्स्ट बार नहीं है लेकिन फर्स्ट बार मैं बना रही हूँ गुदला आज, बहुत ही अच्छा लगता है चावल के साथ खाने में। और इस तरह से अच्छी तरह से भूज करके इसमें पानी डाल करके और इसे अच्छी तरह से थोड़ा देर तक पका करके उतार ली हूँ। और अब मैं बना रही हूँ फेशियल क्रीम, घर में बनाए फेशियल क्रीम ये चावल से उपलब्ध होता है। और इस अरवा चावल को अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो करके इसे 2 घंटे तक पानी में भिगो करके रख देना है। और इस चावल को अच्छी तरह से धो देना है क्योंकि ये पानी के साथ में ही पीसा जाएगा। छोटा मिक्सर जार जो होता है उसमें डाल करके इसे पीस लेना है। और इसे इस तरह से डाल करके मैं जा रही हूँ पीस लेने। और ये देखिए पीस चुका है, इसे एक बर्तन में डाल करके और इसे धीमे आंच पर थोड़ा देर तक इस तरह चलाते हुए पका देना है। एक छोटा सा बर्तन में लेकर इस तरह से करते हुए चलाते हुए थोड़ा देर तक गैस पर रखें। और इसे ज़्यादा सुखाना नहीं है, बस इस तरह से करके रख लेना है। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसमें हम लोग ये डाल देंगे, ये है हनी और इसके
तीन चार बूंद इसमें डाल देंगे, इससे चेहरा मॉइस्चराइज होता है। और चावल में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिससे आपके चेहरे को फ़ायदा मिलता है, इसलिए हम लोग इस तरह से करके बना करके अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरा में ग्लो आ जाता है एक। और अगर आपका स्किन जो है ड्राई है तो आप उसमें जैतून का तेल या नारियल का तेल 4-5 बूंद डाल करके लगा सकते हैं, उससे और भी अच्छा रहेगा। है ना ये आसान तरीका, घर में आपका जो चावल रहता है उसी से आप बना सकते हैं। और बस सिंपल तरीका, ना ज़्यादा टाइम लगता है इसे बनाने में, और अपने लिए कुछ समय निकाल करके अपने फेस का ख्याल कर सकते हैं घर बैठे ही। और बस चावल को इस तरह से कर लें और उसमें थोड़ा सा तेल, जैतून का तेल या नारियल तेल डाल करके अपने फेस पर लगाएं, फेस को पहले क्लीन कर लें और उसके बाद इसे इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर करते हुए राउंड सर्कुलर में मतलब लगाना है। और उसके बाद फेस पर थोड़ा देर तक इस तरह से मसाज करते हुए लगा लें और फेस पर थोड़ा देर के लिए छोड़ दें। और बस थोड़ा देर जब ये सूख जाए उसके बाद आप, मतलब ज़्यादा सूखना नहीं है, थोड़ा देर तक छोड़ दें, यानी कि 10 मिनट तक रखें और उसके बाद आप फेस को अच्छी तरह से धो लें। और देखिए आपके चेहरे पर एक प्यारा सा ग्लो आ जाता है। और चलिए आप लोगों के साथ मैं ये शेयर की हूँ, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं यहीं पर वीडियो का एंड करती हूँ, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।